हर एक साधक के लिए इनके बहाने से मैं सभी साधकों को कह रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसा नहीं मिलूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा, ये शायद अंतिम होगा। जो मेरे साधक नज़दीक हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, उनके लिए कुछ नहीं। हाँ, कुछ साधकों से नहीं मिल पाएंगे। अब भैया मैं सदैव नहीं मिल पाऊँगा, मुझे अपनी भी साधना करनी, जिस काम के लिए मैं आया हूँ। अगर मेरे किताबें पढ़ी होंगी, वीडियो बराबर देखे होंगे तो मालूम होगा किस काम के लिए आया हूँ। तो हमें वो काम पूरा लगभग हो गया, लेकिन आगे की भी तो यात्रा करने के लिए तैयारी करनी है। हमें भी तो कहीं अपनी यानी एंट्री तो हो चुकी है, और उसमें यानी योग्यता दिखानी है, और तभी तो जा पाऊँगा। अभी तो समाधि में हुआ, फिर अभी और स्वच्छता लानी है। मैं जो इनको शिक्षा दे रहा हूँ, मुझे भी और ज़्यादा उतारना पड़ता अपने आप में। तो मुझे अच्छा लगा, आपने जो किया था, आपने आपके कर्म ही आपकी देरी की, नहीं तो पहले ही हो गया होता। ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, ये कर्मों का खेल है, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा आपने कुछ नहीं किया जैसा मैं बोला, यानी नहीं कहते चलो सुबह का भूला शाम को आ जाए, या होता है आप नहीं जान पा रहे उस चीज़ को, इसलिए जरूर हो गई, और कोई बात नहीं। आप अपना मार्ग आगे को तय करो, लगे रहोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि पीछे की ओर ढकेल दे, लेकिन आपको 6 घंटे का परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे बताया, छोटे बन के रहना पड़ेगा। बड़प्पन आ गया तो आपका अहंकार आपको रौन देगा। यहाँ अभी साधक हैं, यानी हमारे शिष्यों में कुछ साधक हैं, 0 पे आ गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और एक साधक तो ऐसे हैं कि मुझे रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं साहब। बड़े अति नज़दीक थे वो, बहुत विश्वास करता था, लेकिन कर्म बस मैं क्या कहूँ कहाँ चले गए। अब रिक्वेस्ट भेज रहे, रिक्वेस्ट पड़ी है, रात में खोला मैंने, क्योंकि मोबाइल बंद रहता, बंद का मतलब मैं देखता ही नहीं, रिक्वेस्ट पड़ी बस। अब पछताए हो उसका, तो मतलब अब मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो एक समय होता है, उचित समय होता है, उसका लाभ ले लेना चाहिए। एक अपने में कहावत है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, ठीक है, फ़ायदा ले लेना चाहिए। कुछ साधक कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, समय इधर उधर हो जाता, नहीं कहते कि निकल गया फिर पता नहीं क्या। और वो आपके राजेश जी के साथ हुआ, मैं उसको दुखी नहीं करना चाहता। राजेश जी का मतलब, यहाँ राजेश नाम से कई 3-4 साधक हैं। मेरी सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका कर्म गड़बड़ सा। अब मुझे दया आती है, लेकिन मैं क्या करूं, ये उसका कर्म है, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, मैं मजबूर नहीं हूं, लेकिन उसका कर्म नहीं कहता। जैसा कर्म आता है प्रकृति वैसी ही उपस्थित हो जाती है। मनुष्य का, हर मनुष्य का जैसा कर्म होता है, मान लो थप्पड़ खाने का कर्म आ गया तो प्रकृति उपस्थित हो जाती है। प्रकृति का मतलब जो कुछ सारा व्यवहार है, आप ऐसी जगह पहुँच जाएंगे कि थप्पड़ लगेगा। अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो प्रकृति वैसी उपस्थित हो, आपकी इच्छा चलेगी सड़क पे जाएंगे, मोटरसाइकिल कार या पैदल, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि अंदर से कर्म निकल रहा। जैसा कर्म होता है वैसा ही हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है कि हम इतने आशक्त हो जाते हैं, आशक्त बस सही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमारा कल्याण किसमें छुपा हुआ, उस कल्याण को त्याग देते हैं हम, अपने को बंधन में और बांधते जाते हैं और बांधते जाते हैं। भैया बांधो बांधो, कब तक बांधोगे, घुटने टेक दोगे, ये जो शरीर मिला है आगे शरीर भी नहीं मिलेगा, फिर एनिमल प्लानेट देख लेना, शिक्षा मिल जाएगी कि हाइना और जंगली कुत्ते फिर कैसी सेवा करते हैं। सही है, मैं बहुत उसको मतलब बहुत का मतलब जब समय मिलता देख लेता हूँ, फिर मैं ऐसे करके देखता रहता हूँ, और मैं पागलों की तरह कह देता हूँ ऐसे करके, क्यों ऐसे कर्म किए कि पीछे से खा लिया, अब क्या सोच रहा होगा। मतलब ये भी कर्म है, वहाँ कर्मों का ही, इस संसार में कर्मों का ही व्यवहार है। जिस समय हमारे कर्म यानी संस्कार जो कर्माशय हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, हम महाराज राजाओं के राजा महाराजा बन जाएंगे,
हमने अपने आप को संकुचित कर रखा, यानी सिर्फ ये शरीर ही समझ रखा। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.